हाय, मैं हूँ कृतिका कामरा, योर होस्ट फॉर एमटीवी वेब सीजन 2, अ शो अबाउट लिटिल वर्चुअल मिस्टेक्स विद बिग कॉन्सिक्वेंसेस। आज के टाइम और एज में इंफॉर्मेशन एक करेंसी की तरह है। स्कूल की क्लासरूम से लेकर गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डेटा तक, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और इन सब के बीच में की रोल प्ले करता है इंटरनेट, द स्विस बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन। आज सवाल पूछने से पहले उसका जवाब ऑनलाइन मिल जाता है। इंटरनेट पर हर प्रॉब्लम, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। बट डू दीज सोल्यूशंस रियली सॉल्व प्रॉब्लम्स, और कैन दे लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आप और मैं हमारी आज की कहानी में। एक कहानी अंश और अनमोल की, दो भाई और एक मिसप्लेस्ड ट्रस्ट विच चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर। भैया, पापा आपको बुला रहे हैं। आपके क्लास टीचर का फोन आया था। पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पापा का चमचा, अब जाए यहाँ से। पर भैया, पापा बहुत गुस्से में है, अगर आप नहीं आए तो। क्या ले, रोकने में कर दे, चल जा दे, चल। तुम घर से निकलते हो स्कूल जाने के लिए, कहां जाते? अनमोल, अनमोल तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। कहां आवारगर्दी करते रहते हो तुम? आर्मी का सपना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब क्या स्कूल का प्लान भी बंद कर दूं? स्कूल तो जाता हूं ना मैं। बस झूठ बोला न? मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मुझे म्यूजिशियन बनना। म्यूजिशियन बनना है या मैं तुम्हारी आर्मी के सपने देख रहा हूं? तुम्हें गिटार बजाना है। गिटार बजाएगा इडियट। आप भी तो थे ना आर्मी में, आपने क्या? बोलो ना, इसी से मारूंगा तुझे मैं। हाँ, आउट ऑफ योर रूम, आउट जाओ। भैया क्या है? खा लो, गुस्सा मत करो। ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत मार, और जाए यहाँ से। मम्मी ने भेजा है, खा लो। क्यों पापा को गुस्सा दिलाते हो? देख भाई, वो आर्मी से निकाल दिए गए हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? और देख, वो अभी भाग नहीं सकते, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के क्यों भागा दौड़े करूं?
और देख, मैं उनके ड्रीम्स की वजह से रिंग में मैं क्यों मार खाऊं? तुझे मार्शल आर्ट्स करनी है तो तू कर, मुझे नहीं करनी है मारपीट। अनमोल और अंश भाई जरूर थे, बट लाइक एनी सिबलिंग्स, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। अनमोल वॉज अ फ्री सोल, वो अपने फादर के ड्रीम्स से दूर म्यूजिक में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। वाइल अंश, जो अपने भाई को हर चीज में आइडियलाइज करता था, अपने भाई की तरह मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। बट फॉर देयर फादर, अनमोल वॉज द वन जिसको उनके ड्रीम्स को पूरा करना था, द ड्रीम टू विन अ नेशनल लेवल मार्शल आर्ट्स फाइट। एंड ही वॉज हेल बेंट कि अनमोल बिना डिस्ट्रैक्शंस के उनका ये ड्रीम अचीव करे। तुम क्या कर रहे हो? चमचा गिरी। मुझे भी करनी है ट्रेनिंग आपके साथ। देखा अनमोल, ये सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग करने के लिए रखते हो, आधा घंटा लगता से उठने में, तो इसे ले जाया करो ना, मुझे क्यों उठाते हो? चलो आओ। अनमोल, विशाल, चलो चलो जल्दी। हाँ, और कितनी इंसल्ट कराओगे? हाँ, हर दिन कोई ना कोई कंप्लेंट। व्हाट अनमोल, आज स्कूल में सिगरेट पीते पकड़े गए, कल अल्कोहल पी हो गए क्या? लगता है बात तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही है। कल से हम डबल ट्रेनिंग करेंगे, सुबह 4 बजे। पापा, 4 बजे तो सूरज भी नहीं उठता। बस चुप, और बोला ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। अनमोल, एक बात समझ लो, तुम हम बहुत दिनों से MMA की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आई वोंट लेट यू गिव अप, आई वोंट गिव अप, यू माय सन, आई वोंट लेट यू गिव अप, समझे तुम? पापा, मैं एक बार ट्राई करूं। जैसे जैसे अनमोल अपनी फैमिली से, अपने डैड के सपनों से दूर भाग रहा था, yes, very good, good. वैसे ही अंश का फोकस और डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की मदद से वो अपने डैड को छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश कर रहा था। क्लास से बाहर जाओ। पापा को क्यों नहीं बताया? गुस्सा करेंगे। लैपटॉप पे है क्या डॉक्टर? नहीं, लैपटॉप पे इंटरनेट मिलेगा। ये देख, इसे हैमस्ट्रिंग कहते हैं। मतलब मुझे क्या पता? गुड, गुड। हाय सर, ओ अनमोल लेट आया, इसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है।
अनमोल, यू हैव टेस्टेड माय पेशेंस। मैं तुम्हारी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि तुम्हें मारूंगा नहीं, एंड आई विल कीप दैट प्रॉमिस। पर इसके बाद आप इस कमरे में एक हफ्ता बंद रहेंगे और उसके बाद राजस्थान जाएंगे बोर्डिंग स्कूल में। फाइनली वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया सो ही कुड बी डिसिप्लिन्ड। और अंश अपने फादर का एक पॉइंट फोकस बन गया। नाउ ही वांटेड टू ट्रेन अंश जिससे वो उनका वही सपना पूरा करा सके जो अनमोल नहीं कर पाया। तू हमेशा साथ रहता है बचपन से, तू उससे प्यार करता है, तू उससे कह क्यों नहीं देता कि तू उससे प्यार करता है? क्या बोलूँ अब मैं तुझे, डर लगता है यार। रिंग में तो सबकी तेरे से पर तेरी उसे प्रपोज करते समय है, क्योंकि वो अलग बात है मेरे भाई। वेब भी तेरा वेब तुझे नहीं बताता कि लड़की कैसे पटाते हैं? अरे प्रपोज कर दे वरना कोई और पटा के ले जाएगा। प्रपोज क्या बात हो रही है अंश, तो किसी को प्रपोज करने जा रहा है? कौन है ये लड़की? बता दे। कुछ नहीं है, मस्ती कर रहे हैं लोग। मुझे बताओ। कुछ नहीं है बाबा, ऐसी मस्ती कर रहे हो लोग। क्या मस्ती है? अच्छा किसी को लाइक करता है तो बता रहे। सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। भैया, भैया कैसे हो? अच्छा देखा कितना बड़ा फाइटर बन गया ये। अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो ये सब ट्रॉफीज तेरी होती। डैड आपका ट्रॉफी बेटा है ना, वही काफी है। और वैसे भी डैड आपका तो एक ही बेटा है ना। भाई रिद्धि आई थी। ओहो भाई रिद्धि आई थी घर पे। हाँ रिद्धि आई थी घर पे। गर्लफ्रेंड? आई विश। परमिशन ली पापा से? किस चीज के लिए? अबे तू छींकता भी उनसे पूछ के तो प्रपोज क्या खुद ही करेगा, मार डालेंगे तेरे को। अरे पापा तो जानते हैं उसे। वो चश्मिश छोटी वाली? या यार भाई मैं अभी तक बताया नहीं उसे। तो पटाके क्या करेगा, परेशान हो जाएगी तेरे साथ। भाई जल्दी बताऊंगा मैं, देखना तू। अरे पापा मम्मी ने फोन किया था। परसों आ रही है, कुछ चाहिए दिल्ली से क्या? मुझे ना हो सके तो थोड़ी हिम्मत लाने बोल देना। तुम्हें ना कोई हक नहीं है ताने मारने का, हिम्मत की बात करता है। पापा भाई तो बस मजाक कर रहे हैं, अब इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मजाक तो ये कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, बस भाई सिगरेट्स अल्कोहल इसे लगता है ना, यही अक्लमंद है। हम सब तो बेवकूफ हैं यहाँ पे। ऐसा आपका सोचना है, मेरा नहीं। देखो 8 साल बोर्डिंग स्कूल में रह के भी ना कुछ नहीं सीखा, अभी भी जबान वैसे ही। सारे आपके चमचे बन के आप तो आगे पीछे तो नहीं घूम सकते ना। एक बार और बोला ना,
जबान खींच लूंगा तेरी। और कर भी क्या सकते हो, इसे देख, टॉपर है, एमएमए में गोल्ड मेडलिस्ट, अगले महीने नेशनल मीट के लिए जा रहा है। ये वो तूने क्या किया मुझे परेशान करने के अलावा? आपने क्या किया मुझे परेशान करने के अलावा? बचपन से लेके आज तक आपने अपने सेकंड हैंड सपने हम दोनों के ऊपर थोपते हैं। एंजॉय द फूड। हाय अनमोल, अंश है उसका फोन बंद आ रहा है। नहीं वो तो सुबह ही चला गया प्रैक्टिस पे। दैट्स फनी, उसने उसने मुझे बताया ही नहीं। मैं अपने बैंड के प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, तुम अगर फ्री हो तो। दैट्स सो कूल, मैं चलूँ? या व्हाई नॉट, मैं पीछे बैठूंगा। हाँ। मैं अपना बाइक निकालता हूँ। अंश, मैं सुबह घर आई थी, तू निकल गया। हाँ। अंश, क्या हो गया तुझे? प्रॉब्लम क्या है? सच सच बता। तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कुछ कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया है? अंश, व्हाट? कुछ नहीं। अंश की एक ही प्रायोरिटी थी, रिद्धि की खुशी, एंड फॉर दैट ही क्वाइटली स्टेप्ड असाइड। अगर रिद्धि अनमोल को पसंद करती थी एंड शी फाउंड हैप्पीनेस इन अनमोल, तो अंश वॉज रेडी टू किल हिज ओन ड्रीम ऑफ बीइंग विद हर। हेलो रिद्धि, जस्ट स्टॉप कॉलिंग मी, ओके? लिसन, मुझे नहीं पता तुम्हारा किसके साथ क्या अफेयर था, ओके? एंड यू नो वट, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ ये सब जो कुछ भी हुआ। यू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी एंड ऑल। लेट मी रियली स्पेल इट आउट टू यू। यू नो वट द प्रॉब्लम इज, इट्स योर प्रॉब्लम।
and it's over. Do you get it? Don't call me. प्लीज चले जाएं यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रिधि मुझे पता है, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैं क्या करूं? मैं पापा को भी कुछ नहीं बता सकती, वो मुझे मार डालेंगे, और तुम्हारे पापा को बताने की सोच भी नहीं सकती। कैसे सब ठीक कैसे होगा? मैं बात करूंगा अनमोल से, ओके? आई विल टॉक टू हिम। भाई रिधि से बात हुई ना आपकी? तुझे भी उसने राग सुनाया क्या? भाई वो सच बोल रही है भाई। हम पापा से बात कर लेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं भी आऊँगा आपके साथ। प्रॉब्लम कहाँ है अंश? देयर इज नो प्रॉब्लम। और अब जाके तो सोल्यूशन मिला है, जस्ट चिल। क्या सोल्यूशन, क्या बोल रहे हो आप? बिना गलती किए जब पनिशमेंट मिलती है तो बुरा लगता है ना। मुझे भी 8 साल की सजा मिली थी। क्या गलती थी मेरी अंश? क्या यही ना कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के तरीके से नहीं। मेरा तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बट यू नो व्हाट, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। आई नो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है यार, बट आई हैड टू हर्ट यू। बट व्हाई रिद्धि भाई? मुझे तुझे और हर्ट करने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। तुझे हर्ट करूंगा तो पापा को दुख होगा और पापा टूटेंगे। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी और अब मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा। यू गेट इट? Come on. Sit down. मुझे पता था वो नहीं मानेगा। अबॉर्शन करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं रिद्धि, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं।
हेलो, मुझे अबॉर्शन के बारे में डिटेल जानना है। हम फोन पे अबॉर्शन की जानकारी नहीं देते। इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर हैड हैपेंड, अंश को सिर्फ रिद्धि की चिंता थी। ही वांटेड हर टू बी फाइन, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। पर इट वाजंट दैट इजी। जो स्टेप वो लेने जा रहे थे, इट वाज नॉट जस्ट रिस्की, उसकी उन्हें खुद कोई नॉलेज ही नहीं थी। और ऐसे में अंश डिसाइडेड टू ट्रस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड द वेब। तो उसने वही किया जो वो हमेशा करता था, ही टर्न टू द इंटरनेट। रिद्धि, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके आगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुमने कहा कि ऑलरेडी 4 हफ्ते हो चुके हैं, अगर 6 हफ्ते से पहले अगर हमने नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, इससे पता वेब पे लिखा है, पीस पे ट्रस्ट करते हैं। हमारे पास और क्या ऑप्शन है बताओ? रिसेप्शन के बिना तो केमिस्ट के पास भी नहीं जा सकते। डोंट वरी, इट्स नेवर फेल मी। ओके, कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स है, ओवरडोज के साथ अगर लेंगे तो अबॉर्शन हो सकता है। इसमें क्लियरली लिखा है, दिस इज द लास्ट चांस। पता नहीं, गारंटीड हो जाएगा। 100% गारंटी नहीं है, पर वो तो प्रिस्क्राइब ड्रग्स के लिए भी नहीं है गारंटी। We're falling short of time. Nothing. I'll just go and come. इतना सब क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए? चला क्यों नहीं जाता? मैं डील कर लूंगी इसके साथ। Because I love you, love you. और हमेशा से किया है। ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, बताओ तुम्हें छोड़ के। प्रपोज करने जा रहा है, कौन है ये लड़की? कुछ नहीं है बाबा, ऐसी मस्ती कर रहे हो। क्या मस्ती है? अर्जुन किसी से लाइक करता है, तू बता रही है? I'm very sorry. कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ओके, मैं अभी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। ओके,
मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर कोई गलत रिएक्शन हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अबॉर्शन नहीं होगा ना, फिर हम जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। रदी, कल मेरा एमएमए नेशनल फाइनल्स है, ओके? और मैं नहीं आ पाऊँगा। सच बोलूँ तो मैं, मुझे नहीं जाना है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ पापा को, क्या वजह दूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने हर चीज़ डिटेल में लिखा है, वेरी क्लियरली। समझ में आना तुम्हें? दोबारा बोलूँ? शानो, अब मैं चलूँ? डैड आपका ट्रॉफी बेटा है ना, और वैसे भी डैड आपका तो एक ही बेटा है ना। बचपन से हमारे घर पे आती रहती है यार, पर मैं अभी तक बताया नहीं उसे। वो चश्मिश, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। तुझे हर्ट करूंगा तो पापा को दुख होगा। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? इट्स योर प्रॉब्लम एंड इट्स ओवर। Get up, you can get up. रिद्धि की डेथ हो गई। शी इज नोन, उसकी बॉडी ले जा रहे हैं यार। अच्छे
छः हफ्ते से पहले अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो ठीक है, से पता पे लिखा है। अब पीस पे ट्रस्ट करते हैं। हमारे पास और क्या ऑप्शन होता? डोंट वरी, इट्स नेवर फेल्ड मी। तुम हार नहीं सकते, यस अंश चैंपियनशिप तो जीत गया बट ही लॉस्ट व्हाट वाज मोस्ट प्रेशियस टू हिम। रिद्धि सिर्फ उसकी कंपेनियन नहीं थी, शी वाज हिज पास्ट एंड हिज फ्यूचर। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत इनके ओवर एम्बिशियस पिता ने अपने कांस्टेंट कंपैरिजन से की थी, जिसकी वजह से दो भाई अलग हो गए और फाइनली रिद्धि अपनी जान गंवा बैठी। अंश सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। इंटरनेट पर चीज़ें देखकर, सीखकर अंश हैड गेन्ड अ लॉट, पर जहाँ बात जिंदगी और मौत की हो तब इंटरनेट को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रोज़ कई लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस करने ऑनलाइन जाते हैं, बट इंटरनेट पर दी गई सलाह, रेमेडीज, सॉल्यूशंस को बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ब्लाइंडली फॉलो करना बेवकूफ़ी है। एंड समटाइम्स वन केयरलेस मिस्टेक, एक छोटी सी गलती कुछ ऐसा कर सकती है जिसे एक लाइफ टाइम का रिग्रेट भी सुधार नहीं सकता। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू रीड एंड बिलीव इन ऑन द इंटरनेट और यू माइट जस्ट गेट वेप्ड।